ये देखिए हमारा बहुत ही यम्मी सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है और इसमें पूरे तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। बस इसमें इतना का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग गरी वगैरह मत यूज़ कीजिएगा। इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो ये हमने लगा लिया है और इसको हमने रख लिया। अब मैं चारों साइड से अंगूठे की सहायता से इसको भर दूंगी, दबा दूंगी और ये बहुत ही अच्छे चिपक जाएगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये देखिए आप लोग, अच्छे तरीके से बिल्कुल चिपक के तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सारी ब्रेड तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमने सारे पीसेस इस तरीके से भर करके तैयार कर लिए हैं। और चलिए अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। ये बच्चों को इतने अच्छे पसंद आने वाले, बड़े लोगों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों को खासतौर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब आगे का क्या प्रोसीजर है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमने तवा रख दिया है और अब ये गर्म होने लग गया है। तो अगर हम इसको फ्राई करेंगे घी या तेल में तो बहुत ही ज़्यादा फिर ऑयली हो जाएगा, तो वो हमारी या बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें गैस बिल्कुल कम कर लेना है और घी
या आप जैसे चाहें रिफाइंड वगैरह में पकाना चाहें, लेकिन अगर घी में है तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से हम फैला लेंगे पूरे तवे पर। अब हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हमें इस तरीके से एक एक पीस लेकर के ऐसे रखना है। इस तरीके से हल्की आंच में ही हमको सेकना है, और अभी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा चॉकलेट इसके अंदर, तो हमें थोड़ा सा जस्ट वेट, और बहुत ही जल्दी ये भी सेकने लग जाएंगे। और अभी ये हमारा एक साइड से सेकने वाला हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा घी इसमें ऊपर साइड से थोड़ा थोड़ा सा घी सारे में लगा देंगे इस तरीके से। और आप देखिए, ये देखिए आप, इस तरीके से ये सेक जाएगा बहुत ही जल्दी इस तरीके से। मीडियम आंच पर हम इसको इस तरीके से सेक रहे हैं, और ये भी बहुत ही जल्दी, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, बहुत ही जल्दी से अभी ये सेक जाएंगे। और हमारी ये ब्रेड दोनों ही साइड से देखिए आप, दोनों ही साइड से अच्छे से सेक चुकी है, और अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, मेरे पास 2 पीसेस और थे, तो मैंने इनको भी ऐसे डाल दिया है सेकने के लिए, और अब मैं इनके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दूंगी इस तरीके से, और अब हम इनको पलट लेंगे। ये देखिए आप, बिल्कुल 2 मिनट ही लगता है, मतलब 5 मिनट में आपका पूरा बहुत ही टेस्टी स्नैक्स वाला नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए, हमारे दोनों ही साइड से सेकने वाले हैं बिल्कुल। ये देखिए, हमारा बहुत ही यम्मी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है, और इसमें पूरी तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। बस इसमें इतना करना है कि इसको हमें गरम गरम ही खाना है, और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखिए कितना यम्मी तैयार। ये देखिए, पूरी ब्रेड में ये इस तरीके से मेल्ट हो गया है, और बहुत ही यम्मी यम्मी सा बन के तैयार हुआ है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस इसको ऐसा करना है, गरम गरम ही खाना है, क्योंकि अगर इसको हमने ठंडा किया तो चॉकलेट अपने शेप पर आ जाएगी, जिस शेप में फैल गई होगी उसी शेप पर आ जाएगी। तो इसलिए इसको हमें गरम गरम ही खाना है, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी।